दोस्तों, डॉक्टर बी आर अंबेडकर हाउसिंग स्कीम हरियाणा, इसके बारे में बात करेंगे। हरियाणा सरकार ने एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम डॉक्टर बी आर अंबेडकर हाउसिंग स्कीम रखा। इस योजना के अंतर्गत सरकार अनुसूचित जाति में आने वाले परिवारों को घर बनाने के लिए राशि उपलब्ध करवाएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार और नए घर बनाएगी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर हाउसिंग स्कीम को फिर से लॉन्च करेगी। यह योजना इसलिए फिर से वापस लाई गई जिससे कि पहली योजना में जिन अनुसूचित जाति के लोगों को घर नहीं मिला था, उनको इस योजना के तहत घर दिलाया जाए। इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि सरकार को पता है अनुसूचित जाति के लोगों बहुत पीछे हैं। इस योजना के जरिए सरकार उनकी आर्थिक सहायता करना चाहती है। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत का उद्देश्य बस इतना है कि जो अनुसूचित जाति और विमुक्त जातियां के लोगों को उपलब्ध करवाया जाए। इस योजना के लिए घर बनाने के लिए सरकार रुपये देगी जिससे कि उन्हें घर दिलाया जाए। इस योजना में हरियाणा सरकार ने 2014 और 15 में 409 आवेदकों के लिए 2,04,50,000 रुपये घर बनाने के लिए दिए थे और अब 2016 में सरकार ने इस योजना में 7,868 आवेदकों के लिए 30,36,00,000 रुपये घर बनाने के लिए दिए थे और ये रुपये SC ST के लोगों के लिए दिए हैं। अनुसूचित जाति में आने वाली जातियों में के नाम अहेरिया, जो पहले BC हुआ करती थी, अब SC में है, वाल्मीकि, बंगाली, बाजीगर, बंजर, चमार, गागर, पासी, सपेरा, धानक, खटिक, नट जैसी जाति के लोग आते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर हाउसिंग स्कीम के लाभ क्या हैं? अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार को घर बनाने के लिए सब्सिडी देगी। अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार घर बनाने के लिए सब्सिडी देगी। इस योजना में सरकार ने 90% घर बनाने के लिए और 10% घर की मरम्मत करने के लिए देगी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर हाउसिंग स्कीम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी भी लगानी होगी, लैंड प्रूफ लगाना होगा, लैंड टैक्स रिसिप्ट लगानी होगी, यानी कि जहां पर वह बनाना चाहता है उस जमीन का प्रूफ देना होगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर हाउसिंग स्कीम के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है? आवेदक के पास अपना कोई घर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके नाम कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। जिनके पास BPL कार्ड है वो ही इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है। उसके पास अपना एक प्लॉट होना चाहिए जिसमें वो अपना घर बना सके। SC और ST कास्ट के लोग ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अतः आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसकी साइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सीधे इनकी साइट पर जा सकते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।